लोअर मिडिल क्लास का कैरेक्टर है ये। मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर इसका काम रहता है। जब कपल जाते हैं शादी करने के लिए तो वो विटनेस के हिसाब से अपना पैसा बना लेता है। एंड एक दिन एक लड़की आती है उसकी ज़िंदगी में, एंड कैसे उसकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है उसके बाद में और क्या होता है इज़ व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। बहुत से लोग मुझसे कह रहे थे कि आपको एक सिंगल हीरोइन पिक्चर करनी चाहिए क्योंकि आपने बहुत से मल्टीकास्ट रोल्स किए हैं, फिल्म्स किए हैं, और आज तक मैं यही कह रही हूँ कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक टू बी अ पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म देन टू बी अ बिग पार्ट ऑफ यू नो नॉट सो गुड फिल्म। लेकिन इस फिल्म में हमें ये दो इन्ग्रीडियंट्स मिल गए हैं एंड आई एम हैप्पी टू बी यू नो अ बिग पार्ट ऑफ अ गुड फिल्म। कहानी है, अभी एक कैरेक्टर कर रहा है जो मेरे रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बाहर एजेंट का जो काम करते हैं वो कैरेक्टर है बेसिकली, जो वेडिंग कराते हैं उसके एक फीस लेता हो। वैसे उस कैरेक्टर की जर्नी है, एक लड़की आती है 2 महीने के लिए, इट्स अ लव स्टोरी। एक ट्रेडिशनल लड़की का किरदार है जो एक छोटी शहर में रहती हैं नैनीताल में, और शी इज़ वेरी पैशनेट, शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी रोमांटिक, बहुत यंग है वो, और वो वहाँ से नैनीताल से भागती हैं और दिल्ली आ पहुँचती हैं। जो फ्रेंडशिप उनका, जो रिलेशनशिप है वो, उसकी शुरुआत, उसकी डेवलपमेंट, दैट्स व्हाट द फिल्म आई थिंक डील्स विद। मेरा किरदार एक, मैं एक नैनीताल का लड़का हूँ जो बहुत ही बिंदास लड़का हूँ, घूमता फिरता हूँ अपने बाइक में, मौज मस्ती करता हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर मेघा इज़ माई लव इंटरेस्ट और मैं नैनीताल से दिल्ली आता हूँ उन्हीं के खोज में।